दोस्तों बालों के झड़ने से परेशान हैं और बहुत सी रेमेडी ट्राई कर चुके हैं। आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूं जो कि हेयर फॉल को तुरंत ही रोक देगी, बालों में कालापन आएगा, बालों में घनापन आएगा, रूसी डैंड्रफ की समस्या दूर होगी और आपके बाल होंगे जड़ से मजबूत, ताकि आप अपने बालों से अपनी खूबसूरती को और भी बढ़ा सकें। हमारी खूबसूरती का सबसे अहम हिस्सा होते हैं हमारे बाल, इसलिए केयर जरूर करें। ये ना सोचें कि अरे आपके बाल तो ऐसे हैं। दोस्तों जिसकी उम्र होती है, जैसे मैं खुद ही 57 ईयर की हूँ, अब अगर मेरे बाल झड़ रहे हैं तो ये कोई साधारण सी बात है। एजिंग की प्रोसेस को हम लोग रोक नहीं सकते। यदि कुछ कुछ बाल मेरे भी सफ़ेद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, 57 ईयर की उम्र में तो बाल सफ़ेद होंगे ही, परंतु आपकी उम्र कम है, 25 साल 30 साल के हैं और अभी से आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या है या बाल बहुत पतले हो गए हैं, आप अपने बालों की केयर करके आसानी से अपने बालों को काला, घना, लंबा और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए इस आयुर्वेदिक रेमेडी को ट्राई करते हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है इसमें। तो बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए आपको लेना है एक पका हुआ केला। बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो दो बनाना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केले में इतने सारे विटामिन मिनरल होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। साथ ही साथ बनाना हेयर मास्क जो होता है दोस्तों, बालों को सिल्की शाइनी बनाता है, रूसी डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है बनाना। तो बनाना हेयर मास्क बनाने के लिए केला ले लें, पका हुआ केला लीजिए, बारीक टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो अपने हाथों से इसे मैश कर सकते हैं या फिर ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं। सप्ताह में एक बार इस हेयर पैक को लगाकर देखें। एक ऐसा जादुई पैक है दोस्तों जो कि आपके बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगा। जब एक बार लगाएंगे ना, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुश हो जाएंगे, अरे वाह मेरे बालों का टेक्सचर कितना बढ़िया हो गया है। आप इसे मैश कर सकते हैं या ग्राइंडिंग जार में डाल लें। मैं आज इसे ग्राइंडिंग जार में डालने वाली हूँ, इसलिए मैश नहीं किया है। बनाना की जगह आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि हम लोग एग नहीं खाते, एग लगाना हमें पसंद नहीं है, वे लोग एग की जगह केले का इस्तेमाल करें। जो लोग एग खाते हैं, लगाते हैं, वे लोग एक बार मेरे कहने से अंडे का, एग का इस्तेमाल बालों के लिए ज़रूर करें। बालों की ग्रोथ फास्ट होगी, बालों का झड़ना रुकेगा, बालों की लंबाई दुगनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगी, रूसी और डैंड्रफ की समस्या दूर होगी। यहाँ पर अगली चीज़ जो इस्तेमाल करूँगी, दही का, और साथ ही साथ लूँगी मीठे नीम की पत्तियाँ, जिसे हम लोग करी लीव्स भी कहते हैं। करी लीव्स, कढ़ी पत्ता में कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं जो हमारे बालों को काला, घना, मजबूत बनाती हैं। करी लीव्स में आयरन होता है, साथ ही साथ विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। कमज़ोर बालों को रिपेयर करती है, नए बालों को उगाने में मदद करती है। यदि आपको ऐसा लगता है, आप केले की जगह मान लीजिए अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं और एग से आपको ऐसा लगता है कि बैड स्मेल आती है, हमारे को अंडे की गंध जाती नहीं जल्दी, संतरे का छिलका ले लें। ताज़ा संतरा है, ऑरेंज है, तब तो बहुत अच्छा है और तेज़ खुशबू होती है इनके छिलकों की। आपको ऑरेंज का आधा पिल लेना है, वो डाल देना है संतरे का छिलका। मान लीजिए आज आपके यहाँ ऑरेंज नहीं है, संतरे का छिलका नहीं अवेलेबल है, आप ऑरेंज पिल पाउडर डाल सकते हैं, वो भी नहीं है, आप यहाँ पर नींबू के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का रस खाने के काम में ले लें, नींबू के रस को निचोड़ कर कुकिंग में काम में ले, केवल ऑरेंज पील का नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करना है। आधा नींबू का छिलका भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि नींबू और संतरे के छिलकों की खुशबू बहुत तेज होती है जो हम सबको अच्छी लगती है। साथ ही साथ ऑरेंज पील में, लेमन पील में कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल होते हैं जो बालों में एक नेचुरल शाइन लेकर आते हैं, बालों को सिल्की शाइनी और मजबूत बनाता है। एक मुट्ठी मैंने यहाँ पर करी लीव्स डाला है और करीब करीब चार बड़ा चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। दही में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होने के कारण दही हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है। दही जो है दोस्तों, इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, और साथ ही साथ दही जो है रूसी की समस्या को भी दूर करती है। सारी चीज़ों को बढ़िया अच्छा ग्राइंड करके इनका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। देखिए इसे पीसते समय बिल्कुल भी पानी ना डालें, क्योंकि हमने दही डाल दिया है, अपने आप ही ये गाढ़ा हो जाएगा। और
दही जो होता है दोस्तों, ये हमारे बालों स्कैल्प के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे बालों से जब रूसी नहीं रहेगी तो बहुत हद तक बालों का झड़ना बंद हो जाता है। हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है दही का हेयर पैक, केले का हेयर पैक। हमारे स्कैल्प से ड्राइनेस की समस्या को दूर करेगा ये हेयर पैक। सप्ताह में एक बार तो आपको समय निकालना ही निकालना है इसे लगाने का। नहाने से आधा घंटा पहले इस हेयर पैक को बालों की जड़ों से लेकर बालों की लंबाई तक लगाना है। कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों आपको इसे लगाने से, और आधे घंटे के बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। तो ये है मेरी बड़ी बेटी दोस्तों, और आज मैं अपनी बड़ी बेटी के बालों पर ही लगा कर दिखा रही हूँ। हमेशा मैं अपनी छोटी बेटी के बालों पर ही एप्लीकेशन दिखाती हूँ। और ये देखें, इस तरह से जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाना है। बालों में जो चमक आएगी ना, आप खुश हो जाएंगे। हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल में आएगा। कमज़ोर बाल जड़ से मजबूत होंगे और साथ ही साथ आपके बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। बालों की लंबाई दुगनी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होगी। इस हेयर पैक को बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाना है। आप चाहें तो सप्ताह में दो बार भी लगा सकते हैं। नहीं टाइम है तो कम से कम एक बार तो आप इस रेमेडी को सप्ताह में ज़रूर लगाएं। पहले बार के इस्तेमाल से ही फ़र्क महसूस करेंगे। मेरे बालों का झड़ना कम हो गया है और बालों में बहुत अच्छी चमक आएगी। तो रेमेडी को ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को ये आयुर्वेदिक हेयर केयर की रेमेडी कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें।